ये हाइड अभी इसके 25 दिन इसकी उम्र हो चुकी है। इतनी हाइट, इतना फास्ट ग्रोथ करने वाला कोई चारा मुझे है तो मुझे बता दे, मुझे बड़ी खुशी होगी जान के। ये देखें सर, इसकी ये एक एक कलम का ये रिजल्ट है, ये देख लें आप, एक कलम का। ये नीचे से देख लें, 25 दिन में कोई इतना चारा नहीं हो सकता, 7 फीट तक हाइट नहीं जा सकती 25 दिनों में इसका। ये ऐसे लगाते हैं, ये लगी हुई है कलम जैसे, ये देखो ऐसे ही पड़ी हुई थी, इधर ही इसकी ओग हो गई है। ये ऐसे करके आपने ऐसे सीधी लगानी है, ये अगर ऐसे उल्टी लगाएंगे तो ये नहीं उगेगी। ये है ना जो, ये इसीलिए हम उतारते नहीं है, ये साइड ऊपर ही होनी चाहिए। ऐसे करके इसको लगा देना आपने, ये तो ज़मीन सख्त है ना, नहीं तो ये इधर तक नीचे चली जाती है। ठीक है सर, ये देखें जी व्यूअर्स, ये लगी हुई है कल में आपके। भाई मुझे बोल रहे थे ना कोई रेट कम करो हमारे चैनल के लिए, जी जी, तो आज भाई आपको खुश कर देंगे हम, आज से हमारा रेट आपके लिए 2 रुपये है आपके चैनल के लिए। जी व्यूअर्स देख लें, ये भाई आपको पहले से भी ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, 2 रुपये पर कलम पर कलम। ये इसका साइज देख लो आप कैसे है, ये कहते हैं ना दोस्त ब्रेक होता है, ऐसे होता है, ये देखो कितना कितना मोटा है इसका, कितना जानदार है। इसकी ऐसे ही कलमें होंगी इंशाल्लाह, ये देखो आँखें होगी को 15 फीट के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम फैज़, आपकी खिदमत में आज एक सुपर नपेयर की नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम आपको बताएंगे कि 1 एकड़ में कितनी कलमें लगाई जा सकती हैं, और स्पेशल डिस्काउंट भी आज जो फार्मर हैं वो आपको देंगे, एक कलम जो है वो 2 रुपये की देंगे। तमाम तर मालूमात फार्मर की ही ज़बानी आपके साथ शेयर की जाएंगी कि कलमें कैसे लगानी हैं, 1 एकड़ में कितनी कलमें लगती हैं, 1 कनाल में कितनी कलमें लगती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अपना मुख्तसर तारफ कराइएगा। मेरा नाम सलमान है, मैं इधर तहसील डस्का ज़िला सियालकोट का रहने वाला हूँ। अच्छा सलमान भाई, आपने पिछली वीडियो में भी सुपर नपेयर ग्रास की बात की थी जी, तो कुछ लोगों ने आपकी जो वीडियो थी बड़ी पसंद की, तो इसके मतलब आज आप क्या बताना चाहते हैं, सुपर नपेयर ग्रास जो है ये क्या चीज़ है? ये सर यही है ना, मैं यही बताना चाहता हूँ, उस दिन आपने देखा था इसकी हाइट कितनी थी, आज इसकी हाइट चेक करें। ग्रोथ का जो मसला है ना, जो कहते हैं इतनी ग्रोथ नहीं करता, फर्स्ट टाइम नहीं करता, लेकिन सेकंड टाइम बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। फर्स्ट टाइम 4 माह में 18 फीट होता है, सेकंड टाइम सिर्फ 70 दिन में 18 फीट हो जाता है। सर ये जब हमने पिछली वीडियो की थी तकरीबन 1 मंथ के करीब होने का, तो तब ये बिल्कुल छोटा सा था जी, तो आज माशाल्लाह इसकी हाइट ये तकरीबन कितनी होगी? अभी इसकी हाइट ये 15-16 फीट तो होगी, 15-16 फीट जी। और ये भी देखें ना, ये एक पौधा है, एक पौधा देखें, और ये इसकी मोटाई चेक करें आप, ये साइज चेक करें, इसका मोटाई भी चेक कर सकते हैं, साइज भी चेक कर सकते हैं। अच्छा इसमें आपने पिछली दफ़ा बताया था ये चारे की अहमियत बताई थी, कुछ लोगों के सवाल हैं क्या ये सिर्फ जानवर ही खा सकते हैं, भैंसे गाय वगैरह, ये बकरियों को भी डाला जा सकता है? बकरियों को भी डाला जा सकता है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। दूसरा थोड़ा इसको छोटा काटना पड़ता है, जैसे कि 1 माह का इसको कटाई कर लें, 1 माह का 20 दिन की 25 दिन की। सर छोटा भी काट लें तो फिर इसमें मसला तो कोई नहीं आता? कोई मसला नहीं आता, मैं तो आपको दिखाऊंगा हम काट रहे हैं छोटा भी साथ। अच्छा एक जो इसकी एक शाख जी, उसकी कितने कलमें बनाई जा सकती हैं? एक शाख की ना अभी हम तो ज्यादा बनाते नहीं हैं, हम तो 4 बना लेते हैं एक शाख की, जैसे ये है ना तना जी, जी। इसकी हम 4 बना लेते हैं, 4 शाखें इसकी बना लेते हैं, हाँ 4 इसकी कलमें बन जाती हैं। ज़्यादा हम बनाते नहीं, हम ये जानवरों को डाल लेते हैं कि किसी दोस्त का ज़ाया ना हो, कहीं दोस्त ऊपर तक दे देते हैं वो फिर सही ग्रोथ नहीं करता, उगता नहीं है, उग नहीं सही होती उसकी, क्योंकि ज़्यादा नरम होता है। हम इधर तक से थोड़ा सा कर लेते हैं, दूसरा जानवरों को डाल लेते हैं। ठीक है। अच्छा सर बताइएगा कि सुपर नपेयर ग्रास आपने जो कलम का रेट बताया था, क्या वही आपका, आप क्या चाहते हैं भाईजान? नहीं जैसे आपको मुनासिब लगता है, लोग बहुत सारे लोग इसे खरीदना चाहते हैं तो रेट वही देंगे। ये भाई मुझे बोल रहे थे ना कोई रेट कम करो हमारे चैनल के लिए, जी जी, तो आज भाई आपको खुश कर देंगे हम, आज से हमारा रेट आपके लिए 2 रुपये है आपके चैनल के लिए। जी व्यूअर्स देख लें, ये भाई आपको पहले से भी ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, 2 रुपये पर कलम पर कलम। उसमें कोई कम ले या ज्यादा ले? नहीं थोड़ा सा अगर कनाल का ले तो उसको 3 रुपये की दे देंगे, कनाल में 1500 लगती हैं, हमें थोड़ी टेंशन बनती है कटाई की। कोई एक हम बंदा हायर करते हैं उसको कटाई के लिए बोलते हैं, वो तो 1500 काट के चला जाएगा, हमसे तो वो मजदूरी ले जाएगा पूरी, चाहे हम वो मजदूरी का होता है थोड़ा सा, और कोई 4 कनाल की ले 8 कनाल की ले, हम वही सेम रेट रखेंगे उसके लिए, 2 रुपये पर कलम 2 रुपये पर कलम। अच्छा आज से ये पैकेज आपके चैनल के लिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें सर आपने बताया कनाल के लिए 1500 कलम लगेगी जी, 1500 कलम कनाल के लिए, तो 1 एकड़ में कितनी होगी फिर? 1 एकड़ में 12000 कलमें होंगी, 12000 कलमें जी।
ठीक है। अच्छा 12,000 कलमे आजकल जो मौसम है इसमें लगाई जा सकती है या स्पेशल इसके मौसम का इंतजार? ये जब गर्मी है ना, फुल गर्मियों में जब मर्जी लगाएं, साल के 8 से 9 माह ये लगता रहता है, कोई मसला नहीं है इसका। सर बताइएगा कि क्या इसे लगाने का क्या तरीकाकार है, जमीन कैसी होनी चाहिए, फिर इसको लगाना कैसे है? जमीन कोई भी हो, जिसे मैरा भी बोल देते हैं, कलर बोलते हैं, चम, जिधर घास वगैरह हो जाते हैं ना उधर ये अच्छी ग्रोथ करता है। इसके लगाने का मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, उधर जाके हमने लगाया हुआ है ना, उधर आपको मैं वो भी चेक करवाऊंगा। जी चलें आप वो दिखा दें हमें। अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ जिधर आपने बोला था ना छोटा भी, क्या इसकी कटाई कर सके। ये देखें जी बिल्कुल छोटा है, इसे भी काटा जा सकता है। ये सिर्फ 25 दिन का है आज। कितने दिनों का? 25 दिन का। 25 दिन का माशाल्लाह, देख लें कोई ऐसा चारा बता दें जो 25 दिन में इतनी ग्रोथ कर सकता है। ये देखो इसका, इसकी हाइट अभी 7 से प्लस है, 7 फुट के करीब इसकी हाइट है जी। और ये देख सकते हैं 25, ये देखो एक कलम की कितनी शाखें बनी हुई है, एक कलम की माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी शाखें बनी हुई है। ये आपको यहाँ इधर से काटा गया वो भी मैं दिखा सकता हूँ करीब करके, कितनी शाखें बन चुकी है माशाल्लाह। ऐसा जो आप पूछ रहे थे ना बकरी वगैरह को डाल सकते हैं, ऐसा डाल सकते हैं आप बकरी को, इससे भी छोटा। अगर 20 दिन का काटेंगे और भी बेहतर है। इसमें हम भूसा वगैरह हमें मिक्स करना पड़ता है, ये जो है अभी ना भूसा वगैरह मिक्स कर लेते हैं। यानी कि जो लोग ये गिला कर रहे थे कि ये सख्त होगा जानवर नहीं खाएंगे, उनके लिए बेहतर है वो छोटा काट लें। छोटे काट लें कोई मसला नहीं है। ये अभी जैसे ये है ना, ये मकई है, ये समझे हम मकई है, थोड़ा सा इसको पका लेंगे फिर ज्वार बन जाएगी। इसमें हर ऑप्शन आपको मिलते हैं, कमाद वाली ऑप्शन भी मिल जाती है अगर आपने इसमें करना हो तो। यानी कि अपनी मर्जी से जब चाहे काट लें जी। 25 फीट तक इधर हाइट इसकी चली जाती है दुनिया में हमारी, लेकिन 22 फीट तक इधर रिकॉर्ड की है हमने, इधर गई थी एक टीम आई थी लाहौर से, वो कहते थे इतना नहीं इसकी हाइट हो सकती, ये वो बोल रहे थे। उन्होंने आके चेक किया, हम उसको तीन उसके स्टेप बना लेते थे काट काट के ना, क्योंकि इधर से जाता नहीं था हमसे। एक ऐसे ना, ऐसे एक तना जो है एक कलम का, ये उठाया नहीं जाता था। यानी कि हाइट माशाल्लाह का हाइट बहुत ज्यादा है, 22 फीट हाइट थी उसकी। अच्छा ये आपने जल्दी काटने, जानवर अच्छे तरीके से खा लेते हैं जी, इसलिए आप जल्दी। जो दूसरा है बीज वाला है उसे तो बड़ा करना, वो तो बड़ा करके हम बीज देते हैं ना। क्या ये जो छोटा है इससे भी बीज निकल सकता है? ये अभी नहीं निकल सकता, ये एक या दो कलमे निकलेंगे इसकी ना, ये देखें आप ना, ये निकल जाएंगी एक या दो कलमे निकलेंगे इसकी। इसकी आंखें बनी हुई है इधर से ना, ये एक या दो ज्यादा से ज्यादा निकल जाएंगी इसकी, तो इसका हमें कोई फायदा नहीं होता। ये देखो आंखें बनी हुई हैं इसकी ना जी। ये देख लें जी, ये आंखें बनी हुई हैं इसकी। बन जाएगा इससे भी लेकिन कम बनेगा, दो निकलेंगी इससे, अच्छा हम देते ही नहीं है। अच्छा एक आपने ये बता रहे हैं 21 दिन का बता रहे हैं? ये 25 दिन का। 25 दिन का, सॉरी 25 दिन में क्या प्रोसेस किया इसके साथ, कितने पानी लगाए हैं, कितनी? इसको हमने 25 दिन में 4 पानी लगाए हैं और हमने इसमें यूरिया डाली है, तीन वो बैग है ना यूरिया के डाले हैं एक एकड़ में। अच्छा जब स्टार्ट पे आप लगाते हैं तो कितने फीट का इनमें के दरमियान फासला रखते हैं? पहले तो हम लगाते थे एक तरफ से 2 फीट, एक तरफ से 1.5 फीट। जो हम लगाते हैं ना अभी, एक तरफ से 2 फीट लगाते हैं, एक तरफ से 1.25 फीट, 15 इंच से ज़्यादा नहीं लगाते। कुछ हमने लगाया हुआ है 1 फीट भी, वो भी मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप साथ अटैच कर लेना। अच्छा इसको इतनी दूर लगाने का फायदा होता है या नुकसान है? जितना नज़दीक लगाओगे उतना ही अच्छा है। ये देखो ना इसमें घास वगैरह उग जाता है, इसकी स्प्रे अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसकी मार्केट में ना अभी स्प्रे आई नहीं है तो ले आए, लेकिन अभी बाहर से हमें एक सैंपल आया, हमने 2 दिन हुए उसे किए, हमें उसका जैसे ही रिजल्ट मिलेगा ना हम दोस्तों को वो भी सप्लाई करना शुरू कर देंगे। सर पूरे पाकिस्तान में आप ये अवेल कर सकते हैं? पूरे पाकिस्तान में लोग आपसे आके लें या कार्गो भी करें? कार्गो भी करते हैं हम सर।